के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक समय की बात है, कृष्ण जी बंसी बजा रहे थे और पिछले काफी समय से राधा जी उन्हें पुकार रही थी, लेकिन बंसी बजाने में कृष्ण जी इतने लीन थे कि उन्हें राधा जी की पुकार सुनाई नहीं दी। यह देखकर पिछले काफी समय से कि कृष्ण जी उनकी पुकार नहीं सुन रहे, राधा जी नाराज हो गई और वो उनके पास गई और उनसे उनकी बंसी छीन ली और कहीं जाकर छुपा दी। जब कृष्ण जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने बहुत ही दो लाइनों में, बहुत ही प्रिय लाइनों में उनको विनती करी, और वो विनती क्या थी सुनिए। श्री राधे राने दे डालो ना बंसी हमारी, श्री प्रेमा प्यारी दे डालो ना बंसी हमारी, श्री राधे रानी दे डालो ना बंसी हमारी, श्री प्रेमा प्यारी दे डालो ना बंसी हमारी। इस बंसी में मुरे प्राण बसत है, इस बंसी में मुरे प्राण बसत है, सो बंसी गई चोरी, सो बंसी गई चोरी, श्री राधे रानी दे डालो ना बंसी हमारी, श्री प्रेमा प्यारी दे डालो ना बंसी हमारी। विनती सुनकर राधा जी अभी तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि एक विनती कृष्ण जी और करते हैं, और वो क्या करते हैं, काहे से तो गाऊं राधे काहे से बजाऊं, क्योंकि बंसी तो उनकी राधा जी के पास है। काहे से तो गाऊं राधे काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं गवन घेरे, गवन घेरे मतलब गाय, क्योंकि कृष्ण जी की बंसी सुनकर गाय बकरियां सारी चिड़िया उनके पास आ जाती थी, और वो यही विनती करते हैं सुनिए। काहे से तो गाओ राधे काहे से बजाओ, काहे से तो गाओ राधे काहे से बजाओ, काहे से लाओ गवन घेरे, काहे से कृष्ण जी की ये दोनों विनती सुनकर राधा जी उन्हें उत्तर देती है, और क्या उत्तर देती है, कर से तो गाओ कहना कर से बजाओ। कर यहाँ पे दो चीज को संदेश किया गया है, कर एक हमारा मुंह और कर एक उनके हाथ, तो कर से तो गाओ कहना कर से बजाओ, चितवन से लाओ गवन घेरे। चितवन क्या, कृष्ण जी के तीखे तीखे नैन नक्श। कर से तो गाओ कान्हा
विनती सुनकर अंत में राधा जी उनको उनके बंसी लौटा देती है। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय।